नमस्कार दर्शकों, मैं दीपा श्रीवास्तव वफिया है। चुनावी आहट के साथ ही हर पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रही है, कभी सेंसेशनल वीडियो बनाकर तो कभी धार्मिक आस्थाओं का सहारा। सियासी दलों का मकसद साफ है, मतदाताओं के वोटों को हासिल करना। अब राजनीति में एक नया ट्रेंड आया है, बेटों से प्रचार कराने का। तय रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार में अब कुछ नेताओं ने अपने बेटों को खुदा दिया है। जरूरत यूं पड़ी कि नेताजी तो आरोपों से घिरे हैं, शायद नाराज मतदाता खारिज कर दे तो नया एक अस्त्र दागा। बेदाग और भोली सूरत वाले बेटों को चुनावी रण में आगे करने का। हाल ही में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया, जहां पूरा नहीं कर रहे, बड़े महाराज का भी सपना पूरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी को जमकर कोसा। सत्ता पक्ष भी कहां चूकता तो भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सुपुत्र ने भी मंच संभाल ही लिया। दिल दे देना, क्योंकि भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता उसमें निवास करती है। मुझे केवल ऐसा दिल दे देना भाई। बीते सोमवार को शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अपने पिता के अंदाज में नजर आए। कांग्रेस के नेताओं पर जमकर बरसे और अपने पिता की तारीफ करना भी ना भूले। अभी तो आगाज है, कई नए चेहरे चमकेंगे पुराने चेहरों को बचाने के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि क्या मतदाता इन चेहरों को तवज्जो देते हैं या फिर ये महज चंद दिनों की चांदनी बनकर रह जाते हैं।